नेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, जियोपॉलिटिक्स एंड इंडिया के इकोनॉमिक रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इन क्वेश्चंस को देखें तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द पेट्रोलियम रिसोर्सेज ऑफ द मिडल ईस्ट एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। सेकेंड क्वेश्चन इज क्रिटिकली एनालाइज द ट्रेंड्स इन एनर्जी यूटिलाइजेशन इन द वर्ल्ड। थर्ड क्वेश्चन इज क्रिटिकली एनालाइज द कॉजेज ऑफ एनर्जी क्राइसिस, हाउ कैन एनर्जी क्राइसिस बी ओवरकम। फोर्थ इज डिस्कस द वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड देयर यूजेस, सजेस्ट द मेजर्स टू ओवरकम द प्रेजेंट डे एनर्जी क्राइसिस। ये तो नहीं करेंगे, ये तो हो गया आपका बहुत अच्छे से। फिफ्थ वन इज वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस, ये थर्ड से ही मैच करता है, थर्ड वाला ही है। क्रिटिकली एग्जामिन द कॉजेज ऑफ एनर्जी क्राइसिस एंड हाउ कैन एनर्जी क्राइसिस बी ओवरकम। तो क्वेश्चन बनते हैं डिस्कस द पेट्रोलियम रिसोर्सेज ऑफ द मिडल ईस्ट एंड इट्स इम्पैक्ट, क्रिटिकली एनालाइज द ट्रेंड्स इन एनर्जी यूटिलाइजेशन इन द वर्ल्ड एंड कॉजेज ऑफ एनर्जी क्राइसिस एंड इट्स रेमेडीज। ये लगभग तीन टॉपिक बनते हैं जो इम्पोर्टेंट है, इसमें कवर हो जाएंगी और भी बातें, चैप्टर की और भी बहुत सारी बातें कवर होंगी। स्टार्ट करते हैं हम। देखिए जब हम बात करते हैं मिडल ईस्ट की तो बहुत इंपॉर्टेंट है पेट्रोलियम के बारे में बात करना। तो पेट्रोलियम इज वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ मिडल ईस्ट। जब हम बात करते हैं मिडल ईस्ट की तो मिडल ईस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पेट्रोलियम। कंट्रीज की अगर हम बात करें, ईरान है, इराक है, सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, कतर है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, ये तुर्की भी आता है, और उसके बाद अगर हम बात करें अफ्रीका की, नाइजीरिया की भी इसमें आता है, उसके बाद अगर हम बात करें साउथ अमेरिका की तो वेनेजुएला इसमें आता है, रशिया इसमें आता है, उसके बाद अगर हम बात करें ये जो अफ्रीका की कंट्री है गैबॉन, ये भी इसमें आता है, इंडोनेशिया भी इसमें आता है। ये किस में आता है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनीज, ओपेक। तो ये इंडोनेशिया है, गैबॉन है, नाइजीरिया है, ईरान है, इराक है, सऊदी अरेबिया है, सीरिया है, ये वेनेजुएला है, ये सभी के सभी इसके पार्ट हैं। पेट्रोल के बारे में बात करते हैं और इसने किस तरह से पॉलिटिक्स को पूरी तरह से इंपैक्ट कर रखा है उसके बारे में चर्चा करते हैं। पेट्रोल की अगर हम बात करें तो जब से पेट्रोल के बारे में पता चला, जब इसकी डिस्कवरी होती है, उसके बाद से लेकर के यूरोप और अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कैनेडा, इसका बहुत जबरदस्त डोमिनेंस होता है पेट्रोल प्रोडक्शन पे। 1930s तक, 40s तक यह सिनेरियो एज इट इज ही चलता है। अगर हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज जो थी ये क्रूड सरप्लस थी, पेट्रोलियम सरप्लस थी। अल्टीमेट एस्पेक्ट इज कि जब उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर लगने का समय आया तो बहुत बड़े पैमाने पर इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा बहुत हाई लेवल पर यूरोप की और जो अलाइज पावर थी, अलाइड पावर, एक तरफ अलाइड पावर पर खड़ी थी, एक तरफ सेंट्रल पावर्स खड़ी थी, तो अलाइड पावर्स की तरफ से ब्रिटेन था, फ्रांस था, ये सब एक तरफ से लड़ रहे थे। उसके ऑपोजिट एंड पर आप देख सकते हैं रशिया था, सॉरी ऑपोजिट एंड पर जापान था और जर्मनी था। सो अल्टीमेट एस्पेक्ट इज कि उस टाइम पर भी बहुत हाई लेवल पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने हेल्प करी यूरोप की और अलाइड पावर्स की जो लगे हुए थे वर्ल्ड वॉर टू में। लेकिन इसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के क्रूड के रिजर्व जो है वो डिप्लीट हुए, खत्म हो गए। अब खत्म होने का कंसेप्ट यहां पर क्या है कि अमेरिकन लोगों को इस बात की टेंशन होने लगी कि आफ्टर द वर्ल्ड वार क्या होगा, और वर्ल्ड वार वन का इम्पैक्ट भी उन्होंने देखा था कि बहुत तेजी से क्रूड के रिसोर्सेज, मतलब जो क्रूड का आपके पास स्टॉक रहता है आप उसे एग्जॉस्ट कर देते हो। क्योंकि अमेरिका बड़ा प्लेयर था तभी वहां के लोगों को इस बात की चिंता थी, अदरवाइज उनको चिंता भी नहीं होती। तो उसी टाइम पर 1930s का ये दौर है जब बहुत बड़े पैमाने पर यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज ने ये अंदाजा लगा लिया था कि बहुत बड़े पैमाने पर ये पर्शियन गल्फ में भी क्रूड के रिजर्व्स हैं, और इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम बहुत हाई लेवल पर अब इनको एक्सप्लॉइट करने के बारे में सोचेंगे, इनको पहले सर्वे करेंगे, प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, उसके बाद हम इन्हें एक्सप्लॉइट करेंगे। तो सफलता मिली यूके को ईरान में और सफलता मिली अमेरिका को सऊदी अरेबिया में। तो यूके की कंपनीज ने ईरान में बहुत ही सफलता से ऑयल रिजर्व्स फाइंड आउट किए, ठीक उसी तरह से अमेरिका ने सऊदी अरेबिया में ऑयल रिजर्व्स फाइंड आउट किए, और इनकी कंपनीज ने यहां से ऑयल एक्सप्लोरेशन और ऑयल एक्सप्लोटेशन स्टार्ट करा। लेकिन कंट्रीज वही हैं, कंपनीज चाहे कोई भी हो, कंट्रीज तो वही है जो वहां की है,
जो गवर्नमेंट्स तो वही रहेंगी, सॉवरेनिटी तो उनकी रहेगी। तो अल्टीमेट एस्पेक्ट इज की 1930s वो दौर है जब मिडल ईस्ट में ऑयल प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। तो दिस ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, और द ईयर इज पर्टिकुलरली 1930। 1930 के बाद बहुत तेजी से ऑयल प्रोडक्शन स्टार्ट होता है इन कंट्रीज में और कंसेप्ट चेंज होने लग जाते हैं। इसके पहले तक बहुत सारे अलग अलग अग्रीमेंट्स होते हैं। 1928 में स्कॉटलैंड में एक अग्रीमेंट किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट होता है वो। वो अग्रीमेंट के तहत ये डिसाइड किया जाता है कि उस टाइम पर चूंकि यूरोप और अमेरिकन मेन एंग्लो अमेरिकन कंपनीज ही और एंग्लो अमेरिकन कंट्रीज ही ऑयल प्रोडक्शन कर रही थी, तो इनके बीच में करार होता है कि प्रोडक्शन का लेवल कितना रखना है टू मेक द प्राइजेस स्टेबल। तो प्राइजेस का रेंज डिटरमिन करने के लिए इन्होंने प्रोडक्शन के लेवल को कितना रखना है ये डिसाइड किया। बाद में 1930s के बाद 1940s का जब दौर आता है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो हम ये प्राइजेस फिक्स करना चाहते हैं इसको हम एक्सटेंड कर दें पूरे वर्ल्ड लेवल पर, कि वर्ल्ड लेवल पर ही प्राइजेस क्या रहेंगे। लेकिन जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज हैं उनके प्रोटेस्ट करने की वजह से और बाकी चीजों की वजह से इन्होंने इस चीज को सिर्फ यूरोप और अमेरिका तक ही सीमित रखा, एंग्लो अमेरिकन कंपनीज तक ही सीमित रखा। लेकिन इतने में चूंकि मिडल ईस्ट में ऑयल प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका था, दैट इज द रीजन कि मिडल ईस्ट ने बहुत बड़े पैमाने पर, अब मिडल ईस्ट और वेनेजुला रशिया ये सारी कंट्रीज ने ऑयल प्रोडक्शन बहुत हाई लेवल पे स्टार्ट कर दिया था। इंडोनेशिया भी आता है, नाइजीरिया भी आता है, गेबोन भी आता है। तो इनको धीरे 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 ये चीजें लगने लगी कि अब अल्टीमेटली हमें कुछ अपनी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बनानी चाहिए। जो सेवन सिस्टर्स, एक टर्म बहुत फेमस रहेगी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ोगे, सेवन सिस्टर माने कि सेवन वेस्टर्न ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज, ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज जो प्राइजेस को मैनिपुलेट करती हैं, इनको काउंटर करने के लिए हमें भी कोई ना कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। और इसका सबसे पहला मूव वेनेजुला की तरफ से किया गया था। वेनेजुला ने सबसे पहले मूव किया और 5 फाउंडिंग मेंबर्स के साथ 1960s में बनती है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनीज। आई बात समझ में? सो अल्टीमेट एस्पेक्ट इज कि वेनेजुला इज द फोर रनर एंड वेनेजुला के पास वर्ल्ड के लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स हैं, द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स विद द वेनेजुला। तो अब होता क्या है, 1930, 40, 50s तक इतना चीप रहा क्रूड ऑयल कि अमेरिका ने बहुत बड़े पैमाने पर अपनी कोल बेस्ड जो प्रोडक्शन थी उन्हें रिप्लेस करके ऑयल बेस्ड प्रोडक्शन स्टार्ट करी। मतलब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा चीप थे, तो कोल को रिप्लेस करके धीरे धीरे इंडस्ट्रीज में ऑयल को यूटिलाइज इन्होंने करना शुरू करा। इसी समय में बहुत बड़े पैमाने पर कतर भी अपनी गैस सेल करता था, और कतर के पास लार्जेस्ट रिजर्व्स थे नेचुरल गैस के, तो कतर के द्वारा जो गैस सेंड की जाती थी अमेरिका को और जो पूरे मिडल ईस्ट के द्वारा जो ऑयल सेंड किया जाता था, इसके बीच बेस पे आप देखेंगे कि अमेरिका में बहुत बड़े पैमाने पर जो ट्रांसपोर्ट और व्हीकल्स थे ये गैसोलीन ऑपरेटेड थे, और हीटिंग ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वहां पे। तो अमेरिका में बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है गैस सप्लाई करने का। घरों तक गैस सप्लाई आप करते हैं, एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस तक करते हैं आप, फार्मिंग लैंड्स तक करते हैं, बिजनेस ऑफिसेस तक करते हैं, हर जगह पे गैस सप्लाई किया जाता है। उसका रीजन ये था कि इन दो एरिया से गैस और ऑयल इंपोर्ट हो रहा था। अमेरिका अपने लेवल पर भी गैस प्रोडक्शन एंड ऑयल प्रोडक्शन करता था, बट अमेरिका लार्जेस्ट इंपोर्टर भी था और लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी बना रहा बहुत समय तक, बहुत बड़े पैमाने पर इंपोर्ट करता था क्रूड को। 1940s, 50s, 60s, 70s के दौरान ये जो कॉन्सेप्ट चलता रहा, जब वर्ल्ड के सामने एक सिनेरियो था कि जिंदगी में कभी भी ऑयल खत्म नहीं होगा, ऑयल बहुत बड़े पैमाने पर है और ऑयल में कोई इशू नहीं क्रिएट होगा, ऑयल मिल भी बहुत ही चीप रहा था और इतनी चीप अवेलेबिलिटी की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर यूनिट से शिफ्ट हुए ऑयल बेस्ड इंडस्ट्री के बेसिस पे। लेकिन धीरे धीरे सिचुएशंस बदलने लगी। ये सिचुएशन बदलने की शुरुआत अलग अलग समय में हुई, और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज वेरी क्रूशियल, जिसने पूरे वर्ल्ड लेवल पर एनर्जी यूटिलाइजेशन के सिनेरियो को ही चेंज करके रख दिया और पूरे वर्ल्ड में इतनी नई तरह की एनर्जीज इंड्यूस कर दी कि जो पहले कभी सोची भी नहीं थी कि हम इनके बारे में सोचेंगे। छोटे छोटे लेवल पर कई एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस अमेरिका शुरू से ही करता रहा था, लेकिन कमर्शियल लेवल पर करने के बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोचा था। ये चेंज और ये शिफ्ट आता है, एक डेट आती है 1973। एक अलग कहानी सुनिए इससे थोड़ी सी अलग। अगर आप ध्यान से देखें तो इस मैप को, मिडल ईस्ट के ये बिल्कुल मेडिटेरेनियन सी को टच करने वाले मैप को अगर मैं बड़ा करूं, तो यहां पर इसराइल है। इसराइल को अगर मैं थोड़ा सा एनलार्ज कर दूं यहां पर, तो इसराइल में आपको दो चीजें नजर आएंगी बेसिकली, एक आपको गाजा स्ट्रिप नजर आएगी और एक आपको वेस्ट बैंक नजर आएगा।
वेस्ट बैंक क्या नजर आएगा कि ये जो जॉर्डन रिवर है तो जॉर्डन रिवर का वेस्ट बैंक, एंड अल्टीमेट एस्पेक्ट इज कि गाजा स्ट्रिप, दैट इज स्ट्रिप इज इन द जो लैंड इजिप्ट से टच होता है वहां से, क्योंकि एक दो कंट्रियां हैं वर्ल्ड में ऐसी जैसे कि तुर्की और इजिप्ट जो दो कॉन्टिनेंट्स में शेयर होती हैं। इजिप्ट अफ्रीका और एशियन कॉन्टिनेंट में शेयर होता है, और इजिप्ट का कौन सा पार्ट शेयर होता है, लुक एट दिस पर्टिकुलर रीजन, दिस पेनिनसुला इज कॉल्ड सिनाई पेनिनसुला, SINAI, दिस इज सिनाई पेनिनसुला, दिस इज द डिस्प्यूटेड टेरिटरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट टेरिटरी, यहीं से स्विस कनाल गुजरती है। ये सिनाई पेनिनसुला दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में शेयर होता है, और इस सिनाई पेनिनसुला के एरिया में अगर देखें तो बेसिकली मुस्लिम्स बसते हैं। क्यों मैंने बोला मुस्लिम्स बसते हैं, बेसिकली अरब्स हैं। अब कंसेप्ट क्या है, बहुत पहले स्टार्टिंग में जब हेब्रियो रिलीजन, जब जुदाइज्म हुआ करता था, यानी कि यहूदी हुआ करते थे, ये उनका एरिया हुआ करता था। फिर धीरे 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 ऐसा कहा जाता था इन हेब्रियोज की तरफ से, मतलब कि जो वहां के लोकलाइज थे, इन्होंने उनको पहले हटाया, अपनी सेटलमेंट्स को बसाया। धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी आई, क्रिश्चियनिज्म आया, ऐसा कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट को क्रूसेड इन्होंने करा, वो सारा करने के बाद सारा क्रूसीफाई जो इन्होंने कर दिया, टांग दिया, उसके बाद इनके ऊपर यातनाएं करनी शुरू कर दी क्रिश्चियन कम्युनिटी ने। धीरे धीरे मुस्लिम्स आए, मुस्लिम्स ने इनको रिप्लेस कर दिया, और अरेबियन किंगडम 600 AD से जब फैलनी शुरू हुई पैगंबर मोहम्मद के बाद, तो अरेबियन किंगडम ने धीरे 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 इसराइलियों को निकाल दिया, खत्म कर दिया। फिर धीरे धीरे और अरेबियन किंगडम के सेंटर बदलते रहे, नए नए खलीफा बनते रहे, और उनमें से एक खलीफा चल रहे थे तुर्की के ओटोमन खलीफा। फिर ये जब खलीफा चल रहे थे तो इतने में वर्ल्ड वार वन छिड़ा 1914। अब ये 1914 में जब वर्ल्ड वार वन छिड़ा तो ये तुर्की खड़ा हुआ था उधर, किनकी तरफ से, जर्मनी वाली साइड से। अल्टीमेटली ये तुर्की परास्त हो जाता है, और 1970 में एक ट्रीटी आती है, ट्रीटी ऑफ बर्लो, जब वो ट्रीटी बालफोर, सॉरी बालफोर, जब वो ट्रीटी हो जाती है तो ब्रिटेन के हाथ में ये सारा इलाका आ जाता है, और जब ब्रिटेन के हाथ में ये सारा मिडल ईस्ट का एरिया आता है तो तुर्की का कंट्रोल नहीं रहता, तो अल्टीमेटली अब ब्रिटेन को अलाय किसका, यूएस का। यूएस में बहुत बड़े पैमाने पर पॉपुलेशन है किनकी, इसराइलियों की, यहूदियों की, और यूएस गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया हुआ था कि किसी न किसी टाइम पर आपको आपका होमलैंड हम दिलवाएंगे, और होमलैंड उनका क्या है, ये पैलेस्तीन, इसराइल जिसे कहते हैं। तो अल्टीमेटली इनको वहां पर ला करके सेटल करा गया, और जब वहां पर सेटल करा गया तो अब वहां पर रह कौन रहे थे, मुस्लिम्स, जिनको हम फिलिस्तीनी या पैलेस्तीनी कहते हैं। अब उन पैलेस्तीनियों को वहां से खदेड़ा गया तो वो दो एंड पे जाके बस गए, एक वेस्ट बैंक पे जाके बस गए और एक इसराइल के गाजा पट्टी पे आके बस गए, सेंटर से डिस्प्लेस कर दिया। वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी पे आने के बाद अब कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जब इसराइल को वहां सेटल कर दिया उसके होम टाउन में, और इसके बारे में कहावतें भी थी कि किसी को किसी का घर ऐसे, मतलब कि उनके ही होम में उनको होम टाउन दिया जा रहा है, मतलब उन्हीं का असली होम था वो बेसिकली। लेकिन ये जो अब डिस्प्लेस्ड मुस्लिम्स हैं जो कई सदियों से वहां पे रह रहे हैं, उनका कहना था कि घर तो उसका है जो रखवाली कर रहा है, जो रह रहा है, ये किसी का क्या घर होता है, अल्टीमेटली तो हम यहाँ पे रह रहे हैं। अब धीरे धीरे इसराइली और अरबियंस के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हुई, मुस्लिम और इसराइलियों के बीच में। ये प्रॉब्लम ने पहले, सबसे पहले फर्स्ट अरब इसराइल वार होती है 1947-48 कह रहा हूँ, उसके बाद इनके बीच में पीस कर लिया जाता है, उसके बाद 1967 के दौरान एक 6-डे वार होती है। वो 6-डे वार के दौरान क्या होता है कि इनके बीच में पीस अग्रीमेंट होता है कि वो जो 1948 के दौरान अरब इसराइल वार के टाइम पर ये इसराइल ने जो जो सीरिया को टच करने वाला गोलन, एक वहां पर गोलन हाइट्स है, एक हाईलैंड्स है, गोलन हाइट्स पे कंट्रोल किया है, और जो सिनाई पेनिनसुला के गाजा स्ट्रिप के अराउंड कंट्रोल किया है, इसको ये अपना कंट्रोल लूज करें और हम इटरनल पीस रखेंगे 1967 में की वॉर इसलिए होती है कि इसराइल ये चीज को मानता नहीं, और इसराइल उनसे ये कंडीशन ले रहा होता है कि हम परमानेंट पीस रखेंगे सारी उम्र, मैं वो एरिया भी छोड़ता हूँ लेकिन मैं कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो मैं रखूंगा। अरेबियन कंट्री कहती थी नहीं आप पूरी तरह से छोड़ो। फाइनली 1973 में एक सिचुएशन इरप्ट हो जाती है कि जब इजिप्ट, सीरिया, ये दो कंट्रियां इजिप्ट और सीरिया, ये दोनों मिल जाते हैं और दो एंड से चढ़ाई करते हैं इसराइल के ऊपर। इजिप्ट घुस जाता है रातों रात ही किसके अंदर, सिनाई पेनिनसुला के अंदर, और गाजा पट्टी के इलाके के अंदर तक चला जाता है कि ये एरिया मैं रिस्टोर करूंगा। उधर से सीरिया गोलन हाइट्स को कंट्रोल कर लेता है। ये शुरुआत होती है नेक्स्ट वार की, इसे यम के पूर वार भी कहते हैं। हेब्रियो रिलीजन में यम के पूर इज वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, और खासियत ये होती है ये उस साल कोइंसिडेंस कर जाता है मुस्लिम रिलीजन के रमादान के महीने के साथ, अक्टूबर मंथ में होता है, तो उस समय रमादान का महीना भी चल रहा होता है।
तो रमादान और यम कुमपुर दो दोनों कम्युनिटीज के दो फेमस फेस्टिवल, इसलिए इसको आप कह सकते हैं रमादान रेवोल्यूशन या रमादान वार, इसको अक्टूबर वार, और इसको यम कुमपुर वार, और इसको सेकेंड अरब इसराइल वॉर कहते हैं। तो ये अरब इसराइल वॉर हुई सेकेंड। अब ये अरब इसराइल वॉर ने सारा सिचुएशन बदला है पेट्रोलियम का। ये कहानी समझ आई? डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स, मतलब ब्रिटिशर्स नहीं, यूरोपियंस के अंडर थे। उसमें से बहुत सारे ऐसे एरियाज ऐसे भी थे जो अभी भी अरेबियन किंगडम्स के अंदर थे, मुस्लिम कम्युनिटीज के अंदर थे, मुस्लिम कंट्रीज के अंदर थे। लेकिन जो मोस्टली नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज हैं, ये फ्रांसीसियों के अंडर थे, फ्रेंच के अंडर थे, स्पेनिश स्पेन के अंडर थे। मोस्टली जो सेंट्रल रीजन है, जो इजिप्ट है, इजिप्ट का साउदर्न रीजन और बाकी रीजन, ये अफ्रीकन और सॉरी ब्रिटिशर्स के अंडर थे। जो साउथ के रीजन हैं, इनमें डच भी थे बहुत बड़े पैमाने पर और फ्रेंच भी थे। तो कुछ नॉर्थ की टेरिटरीज थी जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन और मुस्लिम डोमिनेशन थी। बाकी मेन मेन रीजन जो है, वो जब हम पर कंट्रोल किया था इन्होंने, तब यूरोपियंस का उस पर भी कंट्रोल हो चुका था। तो ये भी बहुत बड़े पैमाने पर कॉमनवेल्थ थी एक तरह से। और मेन एक बात याद रखना कि इंटरनल एरियाज, कोस्टल एरियाज पे ज्यादा कंट्रोल किया था उन्होंने, क्योंकि ये मेन पॉइंट पे आता था ना, सेंटर पे। अगर आपको ईस्ट के साथ वेस्ट को व्यापार करना होता था तो बीच में अफ्रीका से होके जाना पड़ता था। भाई, क्योंकि स्विस कनाल तो बहुत बाद में बनी है, पहले 250 साल तक ट्रेड तो यहीं से थ्रू हुआ है। तो यहाँ पर अगर पायरेट्स आ जाएंगे लुटेरे, और यहाँ की किंगडम्स अगर सपोर्ट में नहीं रहेंगी उन इंपेरियलिस्ट पावर्स के, तो अल्टीमेटली ट्रेड तो स्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। तो फिर वहां पर जाके उन पे रूल करने का फायदा क्या है, जब रास्ते से व्यापार ही नहीं हो पा रहा है। दैट इज अ कंसेप्ट। तो अफ्रीका, और अफ्रीका से बहुत सारे रीजन से, अफ्रीका से स्लेव मिलते थे उन्हें, उन्हें सस्ती लेबर चाहिए थी। अफ्रीका से बहुत बड़े पैमाने पर वेजिटेशन और रिसोर्स रॉ मटेरियल्स मिलते थे। जो इतनी बड़ी डेयरी इंडस्ट्री थी यूरोप की, उसको फीड करने के लिए कोकोआ बीन्स यहाँ से मिला करते थे। बहुत बड़े पैमाने पर कॉफी की फार्मिंग यहाँ पर हुआ करती थी। तो बहुत सारी एक्टिविटीज थी जो अफ्रीका में हुआ करती थी, इसलिए अफ्रीका इंपॉर्टेंट था। इतनी कहानी समझ आई? अब आगे सुनिए। जब ये जो अरब इसराइल वॉर की कहानियां है, जब ये होता है सेकेंड अरब इसराइल वॉर, तो इस टाइम पर एक चेंज क्या आता है? चेंज ये आता है कि इस टाइम पर दो पावर्स के बीच में कोल्ड वॉर चल रही होती है, और कोल्ड वॉर चल रही होती है यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में। यूएसएसआर की तरफ से आ जाता है वो रशिया, इसको हम कह सकते हैं, और इधर से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है 1945 में, उसके बाद से दो ब्लॉक्स वर्ल्ड के, एक रशिया, रशिया का ब्लॉक, एक रशियन कंट्री को सपोर्ट करने वाले लोग, और एक अमेरिकन ब्लॉक, इन दोनों के बीच में एक पावर छिड़ जाती है, लड़ाई छिड़ जाती है कि कौन टॉप है। और उस लड़ाई को ये लोग चलाते हैं 1945 से लेकर 1991 तक, मैंने ऑलमोस्ट 50 साल तक कोल्ड वॉर चलती है। कोल्ड वॉर क्या होती है कि आप सीधे नहीं लड़ रहे हो, आने बहाने से लड़ रहे हो, बातें सुना रहे हो किसी को, और जो दो लोग लड़ रहे हैं उनमें से एक को आप पकड़ लेते हो, एक को दूसरा पकड़ लेता है, आप सपोर्ट करते हो। इसी तरह से ये अरब इसराइल वॉर के समय में भी ये चीजें हुई। जैसे इजिप्ट और सीरिया को सपोर्ट रशिया का मिल रहा था, इसी तरह से इसराइल को सपोर्ट बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका का मिल रहा था। तो ऐसा माना गया था इजिप्ट, रशिया और सऊदी अरेबियन कंट्री और ईरान की तरफ से, कि जो वेस्टर्न पावर्स हैं, जिनमें ब्रिटिश, ब्रिटेन और अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मेन है, ये सपोर्ट कर रहे हैं बहुत हाई लेवल पे इसराइल को, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर एयरलिफ्ट ऑपरेशन किया था उस टाइम पर अमेरिका ने, जिसके तहत उन्होंने बहुत ही डिस्ट्रक्टिव वेपन्स पहुंचाए थे इसराइल में वो युद्ध लड़ने के लिए। इस वजह से अब इन्होंने क्या डिसाइड किया, ये जो मिडल ईस्ट पावर्स हैं, कि पहली बार ये फील हुआ कि पेट्रोल में इतनी पावर है, इन्होंने ये जो जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज है, जिनमें मेनली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, ब्रिटेन था, नीदरलैंड था, इन कंट्री और जापान था उधर से, इन कंट्रीज के ऊपर इन्होंने एम्बैर्गो लगा दिया उस टाइम पर, कि हम तेल की सप्लाई रोक देंगे। और इनको कहते हैं 1973 ऑयल एम्बैर्गो। तो इन्होंने तेल की सप्लाई रोक दी इनको, पहला। दूसरा, इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन रोक दी तेल की। अब नेचुरल सी बात है कि ऑयल प्रोडक्शन रुकेगी तो ऑयल कॉस्टली होगा, और ऑयल अगर कॉस्टली हो जाएगा तो फिर नेचुरली उन कंट्रीज, जो कंट्रीज ऑलरेडी इतने सालों से कोल्ड वॉर में लगी हुई हैं, जिन्होंने इतने बड़े स्पेस प्रोग्राम्स कर लिए हैं, इतने हाई लेवल पर जिन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में खर्चा कर दिया, अगर उनकी मेन रिक्वायरमेंट है उनकी इंडस्ट्रियलाइजेशन, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वहां से उन्हें रेवेन्यू आ रहा है, जिसकी वजह से वो इतने बड़े पैमाने पर वार कैंपेन्स कर रहे हैं। अगर हम उस रेवेन्यू को ही हार्म कर दें, उनके इंडस्ट्रियलाइज सेक्टर को ही हार्म कर दें, इकोनॉमिक स्लो डाउन ले आए ऑयल सप्लाई रोक करके, तो उनकी बुरी हालत हो जाएगी। तो ये मान करके ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को, कि
ये मिडल ईस्ट कंट्रीज ने ये डिसाइड किया, इन्होंने प्रपोजल पास किया कि हम ऑयल एम्बार्गो लगाएंगे, कट कर दिया इन्होंने ऑयल सप्लाई, कट कर दी, और सबसे बड़ा हिट किया इन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स को। यूएस को तो टोटल ऑयल सप्लाई रोक दिया था, और बाकी कंट्रीज को भी अपनी तरफ कन्वर्ट करने के लिए कि आपको प्रो इसराइल नहीं प्रो अरब एटीट्यूड अपनाना है, अदरवाइज आपको इस पेट्रोल और क्रूड नहीं मिलेगा। इस चीज ने सारी सिचुएशंस बदल के रख दी। सिचुएशंस क्या बदली है मैं वो बताऊंगा। इतनी कहानी समझ में आई? यस ठीक है। एनर्जी राइट नाउ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। आई विल एस्टेब्लिश द इम्पैक्ट ऑफ द इशू आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ माई लेक्चर, तो आपको समझ आएगा कि एनर्जी का टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट क्यों रखा है आज की डेट में। ठीक है, ओके। तो हम आगे बढ़ते हैं। 1973 में जब बहुत बड़े पैमाने पर एम्बार्गो लगा दिया गया अरब इसराइल के बाद, वॉर के बाद मिडल ईस्ट कंट्रीज के द्वारा, उसके बाद सिनेरियो टोटली चेंज हो गया। आपको मैं इतना बता देता हूं कि इस एम्बार्गो से पहले $3 पर बैरल था प्राइस क्रूड का, जो एम्बार्गो के लगने के जस्ट बाद ही $12 पर बैरल हुआ, और ये एक टाइम पर कुछ ही समय के अंदर $35 पर बैरल भी चला गया। लुक एट द $3 पर बैरल एंड $35 पर बैरल, 11 टाइम इंक्रीमेंट इन द प्राइस। सो द कंसेप्ट इज कि 1970s का दौर हाहाकार मचाने वाला था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए और यूरोप के लिए। यूरोप में ब्रिटेन पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि ब्रिटेन ने एकदम से सिचुएशन अपनी बदली। और अब आप एक चीज देखेंगे कि पेट्रोलियम ने पॉलिटिक्स को कैसे बदला। ये जो अरब इसराइल वॉर चल रही थी, इस अरब इसराइल वॉर में बहुत बड़े पैमाने पर यूके का स्टैंड चेंज हो गया टू प्रो अरब एक्टिविटीज। तो यूके ने ये कह दिया था उस टाइम पर इसराइल को कि अब आपको ये एक्टिविटीज रोकनी चाहिए, क्योंकि जब अरब ने इन्वेजन करा, इजिप्ट ने इन्वेजन करा, उसको रिटेलिएट करने के लिए इसराइल एक्टिविटीज भी स्टार्ट हुई थी, और इसराइलीज फिर बहुत आगे तक बढ़ते जा रहे थे। तो यूके की तरफ से उस टाइम पर कहा गया था आप अपने ऑपरेशंस को अब रोको, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और यूनाइटेड नेशंस के द्वारा पीस एस्टेब्लिश की गई इनके बीच में। अल्टीमेट एस्पेक्ट इज इतने बड़े पैमाने पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कमी हुई क्रूड की और बाकी चीजों की, कि इसकी वजह से ही अमेरिका में एक कंसेप्ट स्टार्ट होता है, वो क्या? ऑड इवन कंसेप्ट। तो दैट वाज द वेरी फर्स्ट इंपैक्ट। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने ऑड इवन कंसेप्ट स्टार्ट किया, माने रेशनिंग ऑफ द गैस, रेशनिंग ऑफ द पेट्रोल। ऑड डेट्स के दिन ही ऑड नंबर की गाड़ियां चलती थी, और इवन डेट्स के दिन ही इवन नंबर की गाड़ियां चलती थी। स्टिकर यूज किए गए जिसमें ग्रीन, येलो और रेड कलर के स्टिकर थे। ग्रीन है तो सभी आके तेल भरवा सकते हैं, येलो है तो सिर्फ बस और ट्रक भरवा सकते हैं, उन्हें आईडी प्रूफ देना होगा, और अगर रेड है तो किसी को तेल नहीं मिलेगा। कई कई दिनों तक लंबी लाइनें लगी रहती थी लोगों की गैसोलीन पंप के बाहर, और गैस और ये सब नहीं मिलता था। गवर्नमेंट ने कई तरह के एजेंडा स्टार्ट किए न्यूज़पेपर के थ्रू, न्यूज चैनल्स के थ्रू, ये कहने के लिए कि आप किसी भी तरह में, किसी भी एक टैग चलाया गया था कि डोंट बी फ्यूलिश, फूलिश को फ्यूलिश लिखना शुरू किया कि फ्यूलिश मत बनो, मत वेस्ट करो, फ्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनर्जी इस लेवल पर कम हो चुकी थी, बहुत हाई लेवल पर अमेरिकन जो प्लांट्स ऑयल पे कन्वर्ट हो चुके थे और गैस पे, धीरे 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 अब वो पूरी तरह से इकोनॉमिक स्लो डाउन की चपेट में चले जा रहे थे, और अमेरिका को भी रीथिंक करना था कि उसे क्या करना है। इसका बहुत बड़े पैमाने पर बेनिफिट मिला जापान को। अभी तक ये जो अमेरिका है जो लीड कर रहा था पूरे वर्ल्ड में हैवी कार मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर, जनरल मोटर थी, फोर्ड थी, और ये कौन सी कार बनाते थे? सलून टाइप कार बनाते थे, लंबी गाड़ियां जिनका ट्रेंड होता था, क्योंकि रिच अमेरिकन की यही निशानी थी, लंबी गाड़ियों में घूमते थे। लेकिन इस टाइम पर फ्यूल रेशनिंग इतना स्ट्रांग हुआ कि बहुत बड़े पैमाने पर जापान, जो कि इकोनॉमिक गाड़ियां बनाने में जाना जाता था, उसका पूरा का पूरा ट्रेंड पूरे वर्ल्ड में छा गया, और जापानी गाड़ियां बिकने लगी, और अमेरिका ने टोयोटा की और बाकी कंपनियों की गाड़ियां जापान से इम्पोर्ट करानी शुरू करी। और यही टाइम है जब बहुत बड़े पैमाने पर यूरोप में भी फ्यूल की कमी होने की वजह से हैशबैक गाड़ियों का ट्रेंड आया, और वॉक्सवैगन ने इसमें लीड किया, क्योंकि जब जर्मनी का टाइम था उस टाइम पर भी, जब भी हिटलर का भी समय आया, तो हिटलर के टाइम पे भी वॉक्सवैगन आई थी ना, द पीपल कार। सो द कंसेप्ट इज इसने हैशबैक सीरीज लॉन्च करी। मैंने ये वो दौर था ऑयल एम्बार्गो का दौर, जिसने इकोनॉमी को पूरी तरह से प्रभावित किया, जिसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर में एक अप्रोच में चेंज आया कि लंबी गाड़ियां और लग्जरियस गाड़ियों की जगह अब नए तरह की गाड़ियां आनी शुरू हो गई थी, जो गाड़ियां इकोनॉमिक थी और बेस लेवल, मतलब कि जो नॉर्मल लोग यूज करा करते थे, फ्यूल एफिशिएंट थी। इसी समय पर अमेरिका के द्वारा प्रोडक्शन पे भी रोक लगाई गई लंबी गाड़ियों के, तो प्रोडक्शन ही हॉल्ट कर दिया गया था।
ये वही दौर है जिस समय में बहुत बड़े पैमाने पर जापान ने अपने आप को, क्योंकि जापान पे भी लगाया गया था, अब जापान पे लगाए जाने का रीजन उस टाइम पर क्या था, अल्टीमेट एस्पेक्ट इज कि उनका कहना ये था कि जापान जो है वो वॉर में पॉजिटिवली इंटरफेयर कर नहीं रहा है, जबकि उसे करना चाहिए हमारे लेवल पर। अरबियंस पीपल्स को लगता था कि हमारे सपोर्ट में आना चाहिए, तो नहीं आ पा रहा है ड्यू टू इट्स नॉन इन्वॉल्वमेंट। ये भी एक तरह का क्राइम ही है, क्योंकि हमारा इतना बड़ा बिजनेस पार्टनर है, इसे आना चाहिए। तो उसके ऊपर भी उन्होंने एम्बार्गो लगाया, और जापान की इकोनॉमी में ये बहुत बड़ा शिफ्ट है कि उसने पेट्रोलियम और क्रूड बेस्ड इंडस्ट्री से शिफ्ट करके अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में कन्वर्ट कर लिया। सो द कंसेप्ट इज जापान जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में कन्वर्ट हुआ, उसका रीजन भी यही है। और आप देख सकते हैं जापान फोररनर है इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड गाड़ियां बनाने में, ऑटोमोबाइल बनाने में, स्कूटर स्कूटीज बनाने में, ये सब चीजों में। तो ये ऑयल एम्बार्गो के ही दौर की कहानी है। अब जो मिडल ईस्ट के लोग हैं, इनका कहना ये है, इन पावर्स का कहना है कि हमने ये स्टेप क्यों उठाया, उसका रीजन था। उसका रीजन क्या था? ये वही दौर है जिस दौर पर अभी अभी साल 2 साल हो रखे हैं कि अमेरिका ने एक गोल्ड स्टैंडर्ड नाम का कंसेप्ट खत्म किया। अमेरिकन डॉलर को पेग किया रहता था गोल्ड स्टैंडर्ड के साथ, और वर्ल्ड की बाकी सारी करेंसी जो है वो पेग हो जाती थी डॉलर के साथ। लेकिन गोल्ड की कमी और गोल्ड के अनस्टेबल प्राइजेस की वजह से जो अमेरिका ने गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम को बंद कर दिया था। अब जब अमेरिका ने ये सिस्टम बंद किया, तो पूरे वर्ल्ड लेवल पर ये कंसेप्ट फैला कि बहुत हाई लेवल पर जो गोल्ड है इसकी स्कार्सिटी हो सकती है। तो सभी कंट्रीज ने बहुत हाई लेवल पर गोल्ड छापना, कॉइन करेंसी छापनी शुरू करी। ये जो एनर्मस करेंसी छापी गई है 1970s के दौर में अमेरिका के द्वारा और बाकी कंट्रियों के द्वारा भी, इसकी वजह से बहुत हाई लेवल पर करेंसी इनफ्लो हुआ, और करेंसी इनफ्लो होने की वजह से बहुत बड़े पैमाने पर इन्फ्लेशन क्रिएट हुआ। और ये जो इन्फ्लेशन क्रिएट हुआ, ये भी एक रीजन था बहुत हाई लेवल पर, जिसकी वजह से ये जो बड़ी बड़ी कंट्रीज और ये जो छोटी छोटी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज में एक इकोनॉमिक स्लो डाउन का कंसेप्ट देखने को आया। क्यों? पहले इन्फ्लेशन आती है, फिर अल्टीमेटली इन्वेंट्रीज उधर से बढ़नी शुरू हो जाती हैं, प्रोडक्शन बढ़नी शुरू हो जाती है, और अल्टीमेटली इधर से डिमांड फॉल कर चुकी होती है क्योंकि हाई प्राइसेस हो चुके होते हैं, तो इन्वेंट्रीज का स्टॉक बढ़ जाता है। तो ये वही दौर था जब वैसे ही नॉर्मल इकोनॉमिक स्लो डाउन था। तो मिडल ईस्ट ने ये तर्क दिया कि इस इकोनॉमिक स्लो डाउन की सिचुएशन को टैकल करने के लिए हमने ये जो प्राइजेस, ये जो प्रोडक्शन कट लगाया है, जिसकी वजह से ऑयल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जा रहा है, जिसकी वजह से ऑयल का सप्लाई बहुत ज्यादा चीप हो जा रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इंटरनेशनल मार्केट में, हमने इस वजह से कट लगाया कि ऑयल प्राइजेस स्टेबल हो जाएंगे, और ये जो अननेसेसरी ऑयल मार्केट में फैला हुआ है, स्प्रेड हो रखा है, इसको हम स्क्वीज कर लेंगे तो मार्केट की इकोनॉमी जो है वो स्टेबलाइज कर जाएगी। ये उनके अपने तर्क थे, पर ये बेकार थे। असल रीजन उनका यही था कि अरब इसराइल वार में वो बदला लेना चाहते थे उन लोगों से जिन लोगों ने उनका समर्थन नहीं दिया। ये वो दौर था जब बहुत बड़े पैमाने पर अमेरिका ने अपनी नई स्ट्रेटजीज प्लान की, और कई तरह के नए कमीशन और मिनिस्ट्रीज भी बनाई थी ये देखने के लिए कि ये जो इम्पैक्ट किस तरह का पड़ता है हम पर, हमारे ऊपर। असल में हो क्या रहा था कि अमेरिका बहुत बड़े पैमाने पर डिपेंड नहीं करता था अरेबियन कंट्रीज के ऊपर। अब कंसेप्ट यहाँ पर ये है कि अमेरिका ने पर्पजली अपनी डिपेंडेंस घटा रखी थी अरेबियन कंट्रीज पे, और उसका मैक्सिमम जो ऑयल इंपोर्ट होता था ये कनाडा और यूरोपियन कंट्रीज से हुआ करता था। बट अल्टीमेटली जब ये एम्बार्गो लगाया गया, तो इसका एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ये पड़ता है कि अमेरिका जिन कंट्रीज को सामान बेचा करता था वो कंट्रीज मोस्टली अफेक्ट हो रही थी, और अमेरिका की सप्लाई में, सप्लाई चेन जो है वो बिगड़ गई। अमेरिका का सामान कोई उठा नहीं रहा था, तो ऑलरेडी अमेरिका गोल्ड स्टैंडर्ड से जाने के बाद जब इकोनॉमिक स्लो डाउन के ट्रैप में फंसा हुआ था, तो वो और ज्यादा फंसता चला गया। सो कंसेप्ट यहाँ पर ये आ जाता है कि एक तो अमेरिका इम्पैक्ट हुआ कि वो जो एम्बार्गो लगाया गया, जो बड़ा इम्पैक्ट अमेरिका पे पड़ा वो ये था कि उस टाइम पर साइमल्टेनियसली इकोनॉमिक स्लो डाउन भी देखा गया। आई बात समझ में? और ये जो 1973-74 में जो घटना हुई है, इसे फर्स्ट ऑयल शॉक कहते हैं। इट इज द फर्स्ट ऑयल शॉक इन द इकोनॉमी, ठीक है। सेकेंड ऑयल शॉक लगेगा 1979-80 में जब ईरान इराक वॉर होगी, ईरान और इराक की वॉर होगी, तब सेकेंड ऑयल शॉक होगा। दिस इज द फर्स्ट ईरान ऑयल शॉक। जब ये चीज होती है, तो उसके बाद अब अमेरिका रीथिंक करता है अपनी एनर्जी पॉलिसी को। तो उस रीथिंकिंग प्रोसेस में क्या आता है? सबसे पहला कंसेप्ट ये आता है कि अमेरिका नए एवेन्यूज ढूंढता है कि अब हमें उन नए लोगों पर डिपेंड होना चाहिए जिन नए लोगों के साथ हमारे संबंध ऐसे हों कि वो इतने वॉलेटाइल ना हो, कल को वो हम पर इस तरह से रूल ना करने लगे। दूसरा, अमेरिका को ऐसा लगता है कि उसको जो थ्रेट रशिया या वो थ्रेट जो चाइना से लगता था, वो थ्रेट एक असल में इन कंट्री से नहीं है। कोल्ड वार के दौरान उसे पहली बार एक थ्रेट ऐसा मिला उन कंट्री से जो कंट्रीज कुछ है ही नहीं थी, मिडल ईस्ट कंट्रीज, जिनसे उसने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था।
जितना कोल्ड वॉर ने डिस्ट्रक्ट नहीं किया उतना इस ऑयल एम्बार्गो ने डिस्ट्रक्ट करके रख दिया था अमेरिका को पूरी तरह से। ये बहुत बुरी हालात हो चुके थे अमेरिका के। सो कंसेप्ट इज कि जब ये दौर आया तो अमेरिका ने अपनी पॉलिटिक्स को रियलाइन करा, और आप देख सकते हैं कि 1974-75 के बाद 1979 में जब अफगानिस्तान में अटैक करता है, इन्वेड कर जाता है रशिया, उसके बाद एक लास्ट वही एक्टिव वॉर है, उसके बाद यूएसएसआर भी टूट जाता है और अमेरिका भी रिट्रीट कर जाता है। माने अमेरिका भी खत्म होने के कगार पर ही था कोल्ड वॉर के एंड होने पर। सो कंसेप्ट अब यहाँ पर यह आता है कि अमेरिका पहली बार सोचता है नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज के बारे में, कि मुझे ज्यादा से ज्यादा उन पर रिलाय करना है और मुझे डिपेंडेंस यहाँ से हटानी है।